कौन आदेश दे रहा है बोलने के लिए? ये जो बीच बीच में उठकर बोल रहे हैं, क्या इन लोगों में बकार नहीं है क्या? मैंने उनको अजय जी, मैं ये कहना चाहती हूँ कि सदन में ये हमारे सदस्य आजम खान ने जो चीज बोले, जो कुर्सी पर मैं बैठी हुई थी, वो अध्यक्ष और सभापति की कुर्सी है, पूरा हिंदुस्तान देखती है और पूरा हिंदुस्तान की महिला पुरुष सब को तकलीफ पहुंचा है, और इतना तकलीफ पहुंचा है कि इसका जो महत्व है इनको समझ में नहीं आएगा। काहे कि ये बाहर भी इसी तरह का ही बोलते रहे, इनकी आदत जो बिगड़ी हुई है वो जरूरत से ज्यादा बिगड़ी हुई है। लेकिन हम ये चाहते हैं कि आजम खान जी के, सुनिए अखिलेश जी, उनका मुंह में जवान है, उस समय बोलने के लिए जवान था, आप क्यों बोल रहे हैं? आप उसका सपोर्ट क्यों कर रहे हैं? खबरदार, आप अगर बोलिएगा नहीं बोल, आप नहीं, मैं बोल रही हूँ, मैं बोल रही हूँ। नहीं, क्यों माफी मांगेंगे? हम उस तरह का शब्द का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। यह आजम खान की जो आदत है यह सुधारनी चाहिए। मैं एक वरिष्ठ सांसद हूँ, मैं संघर्ष करके लोगों की आवाज बनकर आई हूँ। ऐसा नहीं कि आजम खान जो मन करे वो बोल दे चेयर से, इस तरह की बात सुनने के लिए मैं यहाँ पर नहीं आई हूँ। यह जानिए, अध्यक्ष की बात मानते हुए हमारे जो आदेश हुए दिए, हम उनका पालन करने के लिए खड़ी हूँ।